गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देखते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.6 प्रॉब्लम नंबर 18। 17 तक रहा हुआ था, यहाँ देखिए फंक्शन दिया हुआ है इन टू पावर एक्स और दूसरा इसका दो फंक्शन और एक पहला है इन टू पावर एक्स, दूसरा है 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो अगर देखा जाए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना सही रहेगा, लेकिन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से एक फॉर्मूला निकला हुआ है, हम लोग उस पर ट्राई करते हैं। जबकि एक फंक्शन अगर इन टू पावर एक्स मिल जाए, अगर इस दूसरा वाला जो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है इसको किसी भी तरीके से अगर दो फंक्शन के सम में ब्रेक कर लिया जाए और एक फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्ट दूसरा फंक्शन मिल जाता है, तो हम लोग फॉर्मूला की हेल्प से इसको इवैल्यूएट कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं और इसको दो फंक्शन के सम में इसको लिखेंगे। तो ई टू द पावर एक्स और उसके बाद अब देखिए वन रहने दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस ऑफ एक्स बाय 2। क्लास 11 में आपके आइडेंटिटीज पढ़े हो और 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस को कॉस के टर्म में तोड़ेंगे ताकि 1 एलिमिनेट हो जाए, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 और ये हुआ डी एक्स e टू द पावर x। अब आगे देखते हैं तो यहां पर 1 प्लस 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 और अपॉन 1 से 1 सबट्रैक्ट हुआ 0, 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 dx e टू द पावर एक्स और इसको सेपरेट करेंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन, ऐसा करते हैं देखिए 1 के साथ इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो चलिए 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x by 2, इसको सेपरेट किया, उसके बाद प्लस अब 2 sin x by 2 के साथ इसको जब सेपरेट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, देखिए 2 से 2 कटेगा और cos x by 2 से cos x by 2 कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा sin x by 2, उसी को लिख रहे हैं sin x by 2 बचेगा और उसके बाद नीचे एक cos x by 2 बचेगा, cos x by 2 और अब यहां पर ये देखें कि e to the power x, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 upon 2 यहां क्या होगा, 1 upon 2 होगा तो 1 अपॉन 2 का हो जाएगा sec square x और यहां sin अपॉन cos होगा tan, sin अपॉन cos जो है वो tan होगा, तो ये तो हो गया sec square या 1 अपॉन 2 sec square x by 2 आएगा और प्लस sin अपॉन cos हो गया tan tan x by 2 dx। तो यहां तो फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए tan x by 2 का डेरिवेटिव एग्जैक्ट sec square x by 2 है, भाई tan x by 2 है तो इसको इसका डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sec square x by 2 आएगा, फिर x by 2 फंक्शन का फंक्शन है तो हाफ यही एग्जैक्ट मिल गया, इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला और लग सकता है। देखिए नीचे जगह नीचे तो दिखेगा नहीं आपको, तो ऐसा करते हैं काम ये करते हैं कि यहां से इसको हम इरेज कर रहे हैं, इरेज करने के बाद आगे सॉल्व करेंगे। हाँ सब इसी को हम लेकर के चल रहे हैं, ये समझा रहे हैं आपको इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स और ऐसा करते हैं कि यहां पर हम इसको पहले लिख देते हैं टेन एक्स बाई टू को, टेन एक्स बाई x by 2 और प्लस हाफ sec square
एक्स बाई टू और ये हुआ डी एक्स। तो इसको हमने लिख लिया। अब ये देखिए टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव एग्जैक्ट मिल रहा है, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और उसके बाद फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाफ आ जाएगा, यानी हाफ हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू मिल गया। तो ये मिल गया, तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला को। तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्या है फार्मूला, e टू द पावर x रहता है और f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ तब इसके बाद जगह पर हम तुरंत लिख सकते हैं e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, ये लिखा जा सकता है। तो इसको अब यहां देखा जाए तो वेयर आप दिखा सकते हो ना वेयर f ऑफ x क्या है, तो हमारा जो f ऑफ x है वो tan है, tan x by 2 है, इसलिए इसका डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिलेगा sec square या हाफ, पहले लिख दीजिए sec square x by 2, यही मिल गया। तो इसलिए हम अपना हमारा इंटीग्रल जो है वो सीधा सीधा लिख दिया जाएगा e टू द पावर x, और f ऑफ x का मतलब tan tan x बाई टू प्लस c, ये इंटीग्रल हो गया e टू द पावर x tan x बाई टू प्लस c। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही बना है ये फॉर्मूला। तो आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपको हम नेक्स्ट प्रॉब्लम बताएंगे। थैंक यू।